बालोद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तीनों प्रकरणों में सात चोर गिरफ्तार। थाना बालोद क्षेत्र के ग्राम झलमला, संजय नगर ग्राम कोरमुड़ा ईट फैक्ट्री में हुई चोरी के कुल तीन प्रकरणों में लाखों के सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी रकम एवं अन्य सामग्री सहित सात आरोपी गिरफ्तार। साइबर सेल टीम बालोद एवं थाना बालोद की संयुक्त कार्रवाई। आरोपी की गिरफ्तारी में सीसीटीवी फुटेज का रहा विशेष योगदान। पुलिस अधीक्षक बालोद की अपील, सभी लगाए अपने अपने घरों प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा, जिससे अज्ञात आरोपियों की पतासाजी में बालोद पुलिस को मिले मदद। चोरियां हुई थी अलग अलग डेट में, एक 3 नवंबर को हुआ था, एक 15 नवंबर और एक जो हुआ था वो 12 नवंबर को। तीनों ये चोरियां हुई थी, जिसको साइबर की टीम और बालोद थाने की टीम तीनों दोनों ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 7 चोरों को गिरफ्तार किया था। ये जो पहला मामला था वो 3 नवंबर का मामला था, जिसमें दोपहर को लगभग 2 से 3 के बीच में ये चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 2,84,000 के जेवरात जो है चोरी हुए थे। उसमें कुछ जो बिल प्रस्तुत नहीं किया गया था तो वो भी हमने बरामद किया है, उसमें लगभग 3 लाख के जेवरात हमारे बरामद हुए हैं। और उसमें एक आरोपी लक्ष्मण सिंह ठाकुर, जो कि गाँव संबलपुर टोंडी लोहारा का है, उसको गिरफ्तार किया है। दूसरा जो प्रकरण था 15 और 16 के दरमियानी रात को चोरी किया गया था, जिसमें बाउंड्री खोद कर इसने 28,500 रुपये लगभग की चोरी की थी, जिसे भी बरामद किया गया है। और उसमें दो आरोपी हैं, गोपी नागवंशी और ईश्वर यादव, एक संजय नगर बालोद थाने का रहने वाला है और दूसरा भी संजय नगर, दोनों संजय नगर के हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। तीसरा जो मामला था वो 12 से लेकर 19 के बीच का है, इसमें जो प्रार्थी थे वो जो कोरागुड़ा ईट फैक्ट्री के में थे, जिसमें मोटर पंप की चोरी हुई थी, जिसे भी बरामद किया गया है। इसमें 4 आरोपी थे, मुकेश कुमार पटेल जो कि जनहाटी टोला थाना टोंडी लोहारा का है, महेंद्र कुमार पिता रूपराम साहू, केशव कुमार और भुवन धनकर, ये 4 आरोपी थे। इसमें कुल मिलाकर इसमें 7 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और लगभग 3,30,000 के सामान हमारे हमने बरामद किए हैं। इसमें जो हमारे थाने की टीम है और साइबर की टीम है, इसमें सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा जो हमारे साइबर की जो तकनीक होती है सीडीआर और अन्य एनालिसिस के माध्यम से चोरों को पकड़ा गया है। इसमें लगभग लगातार ये हम लोग प्रयास जो है चुनाव के पहले से ही चल रहा था, लेकिन चुनाव की वजह से थोड़ी सी डिले हुई, और लेकिन लगातार इसमें मेहनत करते हुए संयुक्त टीम ने इसमें कार्रवाई की। रिकॉर्ड सबका नया है, इसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा है जिसकी रिपीट ऑफेंडर हो, अभी तक हम जांच कर रहे हैं, अगर मिलता है तो हम बताएंगे। तो हाँ, फिंगरप्रिंट जैसे नाफिस सिस्टम है हम लोग का, अभी इनका फिंगरप्रिंट चला जाएगा, नेक्स्ट टाइम अगर ये लोग करेंगे तो फिर पकड़ में आ जाएगी। नहीं, इसमें मोटर पंप वाले में तो कुछ डिटेल पूछताछ भी कर रहे हैं, इसलिए अभी जो मोटर पंप चोरी हुए हैं उसमें कहीं इनका हाथ पर नहीं करेंगे, बट इसमें अगर कुछ भी मिलता है तो बता दें। हर में सी एल और जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है, पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है जो कि तीनों स्तर की सुरक्षा कर रही है, सतत निगरानी कर रही है और कानून व्यवस्था हमेशा हम हमारी प्रायोरिटी में रही है। और काउंटिंग की दिवस में विशेष रूप से तैयारी की जाएगी, जिस प्रकार स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा है, जो इसे के गाइडलाइन है, तीन स्तर की सुरक्षा, उस सब सुरक्षा लगाई गई है। और जो कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होगी जिले में, उस हिसाब से अलग से पुलिस का बल भी लगाया जाएगा, तो हम बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से बिना किसी कानून व्यवस्था के तहते हुए संपर्क करा पाए। बालोद से रूपचंद जैन के साथ संजय रामटेके, ब्यूरो चीफ दीपक देवांगन की रिपोर्ट, देखते रहिए सी डिविजन टीवी।